हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। टुडे वी सॉल्व नेक्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 6B। ठीक है, कल तुसी राजे 19 तक ये सम सॉल्व किए सी। नाउ 20 सम आ जिहड़ा 20 तो बाद जिन्ने भी 29 तक सम आ तुहाडे कोले, इहदे विच तुसी इंटरवल्स फाइंड करनी है स्ट्रिकली इनक्रीज एंड डिक्रीज दियां। कल भी एक चीज़ सी उत्थे इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीधा लिखा होया सी, थोनों इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग दा सीगा मैं दस्सिया भी लैस दैन इक्वल टू जां ग्रेटर दैन इक्वल टू तुसी एफ डैश लैनी है। बट क्योंकि इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सम आ इत्थे पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल नहीं आनी, क्लोज इंटरवल दा हुंदा कि वह नंबर बच आ गया। बट कोई भी फंक्शन एक नंबर दे उत्ते इनक्रीज डिक्रीज नहीं करता हुंदा, जां तां उह किसे इंटरवल च बधूगा जां घटूगा। तां करके सारे सम तुसी ओपन इंटरवल दे नाल ही बनाउणे आ। जिहड़े इह सम आ है ही स्ट्रिकली इनक्रीज डिक्रीज दे, तां इत्थे तुसी कल्ला लैस जां ग्रेटर दा साइन पाउणा। ठीक है, किवें देखो, जिवें मैं 20 दा थर्ड पार्ट कीता, दिस इज यूअर स्टेटमेंट, इहदी डैश कर लो पहला, -6 -4x आजू। नाओ हुण स्टिकली इनक्रीज फंक्शन नाल दी नाल स्टिकली डिक्रीज लैके चलांगे। तां इनक्रीज दी अपने कोले हुंदी आ कंडीशन एफ डैश ग्रेटर दैन 0 लैस दैन 0। ठीक है, तां हुण इत्थे लै लिया 6 इधर आके प्लस दा, ते थोनू पता है तुसी प्लस 1 च चीज़ कीती हुई है कि इनोकेशन विच अगर वेरीएबल अगे माइनस आ जाए तां साइन -1 नाल मल्टीप्लाई होके साइन चेंज हो जांदे। हुण इह दिमाग च नहीं बिठाउणा क्योंकि इह ग्रेटर सीगा, इत्थे लैस किवें हो गया, इहनूं ग्रेटर ही रखूंगे। नो, क्योंकि इह कैलकुलेशन च लैस होया, अगर कैलकुलेशन च लैस होया ओके आ, स्टार्टिंग ग्रेटर तो लैके चलनी आ। ठीक है, इह लैस होजूगा, इधरला ग्रेटर होजूगा, तां इहदी इंटरवल बन गई एक्स लैस दैन -3/2, मतलब इधर नूं जाऊगी -∞ तो -3/2, इहदी ग्रेटर मतलब -3/2 तो अनफिनिटी। ये थोड़ी इनक्रीज दी इंटरवल आ गई, ये थोड़ी डिक्रीज दी आ गई, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली तुसी इहदे सारे पार्ट जिन्ने भी आ वध तो वध कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी पार्ट ने इहदे, कर लियो। तो इहदे विच जिवें हुण आ 4 दी पावर वाला इत्थे सम आ, इत्थे क्यूब दे विच आऊगा, थोड़े कोले 3 वैल्यूज निकलनगियां एक्स दियां। तो कल जिवें थोनू मैं आ सम करवाया सी, सिमिलरली थोनू ये सम करोगे तुसी कि पहला जिहड़ी वैल्यू छोटी होगी वह तो एक्स लैस लैके चलोंगे, फिर वह तो वड्डी दूजे तो छोटी, फिर दूजे तो वड्डी तीजे तो छोटी, फिर तीजे तो वड्डी, इस तरह 4 केस बन गए। तो जिते पॉजिटिव वैल्यू निकलूगी वह थोड़ी इनक्रीज वाली इंटरवल्स होनगियां, जिते नैगेटिव निकलू वह डिक्रीज वाली। ठीक है, तो सेम मैं देखो एक सम 22 का किया गा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्यूब दी सीगी ता डेरिवेटिव किया 6x² - 18x + 12 आ गया, इनक्रीज दी कंडीशन लाती, डिक्रीज दी लाती। नाउ हुण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, फैक्टर बना लो। ठीक आ निकले, तो कल थोनू मैं एक चीज़ ऑनलाइन क्लास च लिखाई भी सी कि जदों भी इस तरह दो फैक्टर की मल्टीप्लाई थोड़े को ग्रेटर 0 आ जां लैस 0 आ, उहदे किवें इंटरवल लैनी आ, दो वैल्यूज निकलनगियां 1 ते 2 इतों, तो जिहड़ी वड्डी वैल्यू उहनूं ग्रेटर रखना 0 तो, जिहड़ा फैक्टर वड्डी वैल्यू दिंदा 2 आ वाला वड्डी दऊगा ना 2, तो जिहड़ा छोटी दिंदा उहनूं लैस रखना 0 तो। ठीक है, इहदे विच ऑल्ट कर देना, बस ये याद रखो, इहदे च ऑल्ट कर देना, आ वाले नूं छोटा कर देना, इहनूं वड्डा कर देना। ठीक है, तो इतों एक्स ग्रेटर 2 निकले ही, तो एक्स लैस 1 निकले ही, ग्रेटर 2 इधर जाऊगी, 1 इधर जाऊगा, कुछ कॉमन नहीं आया, तो इंटरवल यूनियन पा के लिख देना। इत्थे लैस 2 इधर नू जाऊगी, 1 तो ग्रेटर इधर नू जाऊगा, कॉमन आ गया, तो इहदी इनक्रीज दी इंटरवल आ गई। तुसी इत्थे लिखना, ठीक है, एफ एक्स इज इनक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड एफ एक्स इज सॉरी इनक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इत्थे डिक्रीज आऊगा। ठीक है, तो ये थोड़िया दो इंटरवल्स आ गई। उस तो बाद देखो 27 का सैकेंड पार्ट आ, फिर 4 दी पावर वाले है, मैं एक फिर करता, तो इतने पहला डेरीवेटिव करोंगे, 12x कॉमन निकल गया, ये फैक्टर बना लोंगे, तो इतों एक्स दियाँ की वैल्यूज निकल दियाँ, एक -1 निकलू, एक 0 ते एक 2, -1 छोटी, फिर उदू बाद 0, फिर उदू बाद 2। तो हुण तुसी देखो इतने की करना, पहला छोटी तो छोटा लैके चलना एक्स, सब तो छोटी वैल्यू की है -1, टैक्स -1 तो, -1 तो कोई भी वैल्यू मान लो, -2 मान लो, एग्जाम्पल ले लेनी है, -2 पर होंगे इतने, ये नैगेटिव आ भी नैगेटिव आ 0 आऊगा। ठीक है, मतलब ये भी तकरीबन -3 लै लो नहीं, अगर ये 0 बन रहा तो ये भी नैगेटिव ही निकलू, सॉरी -2 भर के -4 आऊगा, नैगेटिव ही निकलू, तो तिना का आंसर नैगेटिव आ गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਗਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈੱਸ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ 0.5 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਨੈਗਟਿਵ, ਆਹ ਪੋਜ਼ਟਿਵ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਨੈਗਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗਟਿਵ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ਟਿਵ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਟ 2 ਤੋਂ ਲੈੱਸ ਲੈ ਲਓ, 2 ਤੋਂ ਲੈੱਸ 1 ਲੈ ਲਓ, 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ 1, ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਨੈਗਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਨਿਕਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਕਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੂ। ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਟਰ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਆ ਸੀਗੀ, ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ 0, ਦੈਨ 0 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਤੇ 0 ਟੂ 2, ਇਹ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 4 ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਸਮ ਆ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ 32 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਟਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, 31 ਮੈਂ 32 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਫੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਲੈੱਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਕੋਸ ਲੈੱਸ ਦੈਨ 1। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਕੋਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਇਹ ਟੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਟੈਨ 1 ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਬਾਏ 4 ਅਤੇ 5 ਪਾਈ ਬਾਏ 4 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈੱਸ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਬਾਏ 4, ਫਿਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ 2 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈੱਸ 1 ਮਤਲਬ ਨੈਗਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 0 ਤੋਂ π/4 ਤੱਕ ਟੈਨ 1 ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨੈਗਟਿਵ 4th ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3rd 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, 225 ਜਿਹੜਾ 3rd ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4th ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, 3rd ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, π/4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 225, ਤਾਂ ਇਹ 225 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਵਿੱਚ ਨੈਗਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ 1 ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਹ π/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5π/4 ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 45 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ 3rd ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ 1 ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਟੈਨ ਵੱਧਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3rd ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮੀਲਰ ਆ ਉਹ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।